कालसी में एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त कार हरियाणा की बताई जा रही है, हरियाणा की है ये कार। और हालांकि अभी इस हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हादसा देर रात में हुआ था। अनुमान लगाया जा रहा है कि कार कालसी से चकराता की तरफ जा रही थी और अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में जो 5 लोग जिनकी मौत हुई है वो सहारनपुर के बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू में जुट गई। खाई से शवों को निकाला गया और इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। देर रात्रि की घटना है। एक गाड़ी जो है I-10 और हरियाणा के इसमें लोग बताए जा रहे हैं, और जो हमारी SDRF की टीम रेस्क्यू कर रही है, 2 बॉडी हम लोग अब तक निकाल चुके हैं, बाकी 3 की सूचना है वहाँ। और तो यह हादसा हुआ चकराता में, कालसी में, और बताया जा रहा है कि जो लोग हैं पुलिसकर्मी कह रहे थे कि हरियाणा के हो सकते हैं ये लोग। कालसी में ये हादसा हुआ था और बहुत ही दर्दनाक यह हादसा। एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके साथ राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन कार में सवार लोगों को नहीं बचाया जा सका और जो 5 लोग इस कार में सवार थे उनकी मौत हो गई। चकराता में, कालसी चकराता में यह हादसा हुआ था। GS चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। चौहान, बताया जा रहा है कि 5 लोग इस हादसे में उनकी मौत हुई है, तो क्या 5 ही लोग सवार थे कार में, और अभी क्या कंफर्म हो गया है कि कहाँ के लोग थे? जी नासिर जी, हाँ बताना चाहूंगा, ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है ये सैलानी लोग जो है हरियाणा से जो है चकराता घूमने जा रहे थे, क्योंकि संडे और सेकेंड सैटरडे की छुट्टी होती है, और कार में 5 ही लोग सवार थे, लेकिन इनकी रात्रि में जो है वाहन अनियंत्रित हो गया और गहरी खाई में जा गिरा है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और 5 ही लोग जो हरियाणा के रहने वाले हैं। अच्छा। और रेस्क्यू जो है SDRF और स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया गया है। हालांकि बड़ी मशक्कत करने के बाद जो है शवों को निकाला गया है, लेकिन उसके बाद भी एक डेड बॉडी जो है बीच खाई में लटकी थी, जिसको घंटों बाद जो है निकाला गया है। अच्छा। फिलहाल जो है 5 शवों को निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है थाना कालसी में चल रही है। एक बार और जानना चाहेंगे कि क्या अनुमान लगाया गया, कहाँ से आ रहे थे लोग? हरियाणा से आ रहे थे लोग। जी जहाँ तक इनकी हम बात करते हैं, हालांकि पुलिस भी अभी यही मान रही है, क्योंकि इनके पास से जो वाहन में जो ID मिली है उसमें हरियाणा क्षेत्र की ID है, और ये लोग जो है बाया देहरादून होते हुए चकराता घूमने जा रहे थे, हालांकि चकराता नहीं पहुंच पाए और रात्रि में ही इनका वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया था। लेकिन आज दोपहर में जब वाहन उधर से गुजरने लगे तो लोगों को सूचना मिली और उन्होंने जब पुलिस को इसकी सूचना दी और तत्काल पुलिस और SDRF की टीमें वहां पर पहुंची और अपना रेस्क्यू जो है जारी किया, जिसमें जो है 5 को जो है वहां मृतक पाया गया, 5 के शव जो है खाई से निकाल लिए गए। जी चौहान, ये जो जिस रोड पर ये हादसा हुआ है, क्या यहां पर अमूमन हादसे होते रहते हैं या बहुत ही कम हादसे होते हैं? जहां तक हम इस क्षेत्र की बात करें, हालांकि इधर की जो सड़कें हैं वो अधिकतर सड़कें जो संकीर्ण सड़कें हैं, लेकिन जहां ये हादसा हुआ है वहां कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि प्रथम दृष्टि कुछ और कारण जरूर है, क्योंकि वहाँ जो मोटर मार्ग भी थोड़ा है, पर्याप्त है, और कुछ भी अभी ये कह नहीं सकते कि किस वजह से अनियंत्रित हुआ है। हालांकि पुलिस भी अभी इसमें जांच करेगी कि हादसे का क्या कारण रहा है, लेकिन ये उसके बाद ही पता चल पाएगा जब पूरी जाँच जो है हो पाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए GS चौहान।